गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारे लोगों के घर में शादियां हैं, वेडिंग है और बहुत सारे लोग पतला होने की ख्वाहिश कर रहे हैं। अब सब लोग तो सोकर ही जागते हैं ना, बड़े लेट ही जागेंगे ना, महीना है दो महीना पहले कि अरे शादी है चलो जी वेट कम कर लेते हैं। बहुत सारे इस टाइप के कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट मैंने अपने DMs में पढ़ी थी इंस्टाग्राम पे, और उसके साथ साथ उनको ड्रास्टिक वेट लॉस भी चाहिए, इंच लॉस भी चाहिए और उनको अच्छा भी दिखना है, उसके साथ साथ उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी नहीं चाहिए और उनको हेल्दी एंड फिट भी होना है। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक ओट्स का विंटर वेट लॉस का डाइट। एंड ये डाइट बहुत ही सिंपल है एंड ओट्स से बनी हुई चीज़ें हैं इसके अंदर ना, जो कि बहुत ही सिंपल रेसिपीज़ है, कोई भी बना लेगा। अगर आप बिगनर हो कुकिंग में आप तब भी बना लोगे। बेनिफिट्स क्या होगा इस डाइट से? सबसे पहली चीज़, ये डाइट जो है आपका कॉन्स्टिपेशन का इशू हटाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं जो कॉन्स्टिपेशन को फाइट करने में हेल्प करेगा। ओट्स अपने आप में एक बहुत ही हाई सोर्स ऑफ फाइबर है, उसके साथ साथ ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। ओट्स जो है बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट होता है एंड साथ साथ अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो अपने आप हाई जाएगा, इक्वल टू वेट लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वेट लॉस के अंदर मानी जाती है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, आपका गट का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना। अगर आपका गट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका गट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सही है, कोई उसमें इन्फेक्शन नहीं है, आपके इंटेस्टाइन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपका कोई भी बाउल मूवमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा, बहुत अच्छा होगा और आपका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत अच्छा चलेगा। पॉइंट इसकी जब भी हम कोई भी टाइप का डाइट करते हैं, हमारा मकसद होता है, मेरा स्पेशली ये एक मोटिव होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें डाइट में ऐड करना जिसकी हेल्प से हमारे जो ऑर्गन्स हैं ना, हमारे जो शरीर के अंदर के मजदूर हैं उनको कुछ बोनस मिल जाए, इक्वल टू हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ी सी ग्रीसिंग मिल जाए ताकि वो और तेज़ी से काम कर सके और बहुत अच्छे से आपको वेट लॉस प्रोवाइड कर सके। अगर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स आपसे हैप्पी हैं, आपने उनको रेस्ट दिया है प्रॉपरली 8 आवर्स का, आपने उनको बिल्कुल तरीके से रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैक्ट्री है या फिर आप कहीं पे जॉब करते हो या आपके अंडर कोई वर्कर काम करता है, आप उसको ओवरलोड कर दोगे काम से, वो मुंह बनाएगा, सूजेगा और वो बिल्कुल भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, इक्वल टू आपका लॉस होगा। सेम तरीके से हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो रेस्ट भी मांगते हैं, 8 घंटे का नींद मांगते हैं, रेस्ट मांगते हैं। अब रात को अगर आप उनको खाना दोगे, पिज्ज़ा पास्ता बर्गर 2 रोटियां चावल दाल, रात के 10 बजे उनके सोने का समय है और आप उनको ओवरलोड बर्डन कर दोगे काम से कि लो जी अब इसको डाइजेस्ट करके दिखाओ या अब इसको आप डाइजेशन अपना स्टार्ट करो, तो ऑफकोर्स सी बात है सुबह उठ के आप बलून की तरह फूल जाओगे। सो यहाँ पे मैटर आता है कि अपनी डाइट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से ऐड करना जिसकी हेल्प से जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको ग्रीसिंग हो सके, वो हैप्पी रहें, वो हैप्पी इंटरनली रहेंगे, आप बाहर से बिल्कुल अच्छे दिखोगे, बिल्कुल फिट दिखोगे और कोई भी स्वेलिंग नहीं आएगा। आई होप ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है उससे थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज़ें घुसी होंगी कि आपको इंटरनली अपने आप को हील करना है, बाहर से आप अपने आप बहुत अच्छे से दिखते चले जाओगे। आज हम बात करते हैं ओट्स की डाइट की। ओट्स की जो डाइट है, ओट्स से बनी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल है, क्विक है, ईजी है और ये जो डाइट कोई भी कर सकता है। मेक श्योर जितने PCOD वाले पेशेंट हैं वो दही बिल्कुल नहीं लेंगे एंड अगर वो पनीर भी यूज़ कर रहे हैं देन वो टोफू पनीर यूज़ करेंगे या सोयाबीन की बड़ियाँ, जो हमारा सोया चंक आता है उसको बॉईल करके यूज़ करेंगे। उसके अलावा जितने भी शुगर पेशेंट हैं वो ये सारी रेसिपीज़ फॉलो कर सकते हैं। थायराइड के जितने भी लोग हैं वो भी ये डाइट कर सकते हैं एंड उसके अलावा जो जो हमारी जनरल पब्लिक है जिनको कॉन्स्टिपेशन का मेजर इशू रहता है, जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं रहता, वो भी ये डाइट करेंगे, उनको बहुत मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितना KG लूज़ होगा अगर आप बिना किसी झोल के, बिना किसी से लड़ाई करें, गुस्सा करें, नींद को डिस्टर्ब करें, किसी के साथ बहसबाजी में ना पड़ें और अपनी डाइट में एक बिस्किट भी एक्स्ट्रा ना ऐड करें, तब आपका कितना KG लूज़ होगा। 1 मंथ 1 month आप लूज़ कर सकते हो 8 to 9 kg। मेरे मेंबर्स ने करा है, मैं कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ। 8 to 9 kg 1 month में बहुत ही ईजिली आपका लूज़ हो जाएगा अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स में से दूर रहते हो और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी है, आपका शरीर है और आप बिल्कुल सीधा चलते हो बिना किसी प्रॉब्लम और भसड़बाजी के। सो अब हम स्टार्ट करते हैं, किचन में चलते हैं और हम बनाते हैं इस डाइट का मॉर्निंग ड्रिंक जो कि हम लेंगे 7:30 to 8 के बीच में, क्योंकि विंटर्स आ चुके हैं, नींद अपनी अच्छे से पूरी कीजिएगा। चलते हैं किचन में और बनाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक। सबसे पहले हम बनाएंगे मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए मेरे पास यहाँ पे है अदरक और हमें चाहिए 1/2 स्पून जितना अदरक। इसमें
और हमें चाहिए हाफ स्पून जितना हनी एंड ये रहा हमारा गरम पानी। तो ये रही हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। वेलकम बैक जी, अब चलते हैं जी ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ टिक्कीज़ की, कटलेट की, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ होती है। इसमें हम प्रोटीन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, या तो हम अपना टोफू पनीर डाल देंगे, इंटरनल नॉर्मल पनीर डाल देंगे, सोया चंक डाल देंगे, चिकन डाल देंगे, या अंडे बॉयल करके मैश करके डाल देंगे। बड़ी जल्दी जल्दी टिक्कीज़ बन जाती हैं और फिलिंग भी होती हैं। अब हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारा पालक और पनीर की ओट्स वाली टिक्की। नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पर हम बनाएंगे पालक ओट्स टिक्की। उसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम्स जितना पनीर। ओके, सो इस बाउल में सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेरा पालक। ये पालक मैंने वॉश करके छोटा छोटा कट कर रखा है। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे प्याज। नेक्स्ट ये रहे मेरे पास ओट्स, ये डाल दिए मैंने ओट्स इसमें। अब मैं ओट्स को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी अच्छे से ब्लेंड करके। ओके जी, ये डाल दिया मैंने एक बड़ा चम्मच जितना ओट्स पाउडर फॉर्म में। नेक्स्ट ये रही मेरे पास पनीर। पनीर को इसमें मैं बिल्कुल मैश कर दूंगी अच्छे से। अब हम इन सबको बाइंड करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़े से हमारे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट। नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी हमारा धनिया पाउडर। नेक्स्ट इसमें मैं डालूंगी मेरी कस्तूरी मेथी, बहुत अच्छा स्वाद आता है। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ मेरी अजवाइन एंड हिंग पाउडर। इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब नेक्स्ट अब इनकी बनाएंगे हम टिक्कीस। ये लिया मैंने अपने हाथ में घी थोड़ा सा। वन टिक्की। ओके, सो ये रहा मेरा पैन, इस पर मैं लगा दूंगी थोड़ा सा घी। खूब अच्छे से अभी हम इसे पकाएंगे, कुक करेंगे। ये रहा हमारा नाश्ता। वन टाइम में हम 4 टिक्कीज कंज्यूम कर सकते हैं विद योर ग्रीन चटनी और योर मिल्क टी एंड कॉफी विदाउट शुगर। अब हम बनाते हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए प्याज और तिल की ओट्स की परांठी। और ये बहुत ही सिंपल है बनाना। जो मैं टेक्निक यूज़ करूँगी कपड़ा रख के बनाने वाली, आप भी वही टेक्निक यूज़ करना एंड रोटियाँ बहुत सिंपल और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। चलते हैं किचन में। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स का परांठा। इसके लिए मैंने ब्लेंडर के अंदर डाले हैं मेरे ओट्स एंड इसको मैं ब्लेंड करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाएंगे और बहुत ही सॉफ्ट परांठा बनेगा ये। डाल दिया मैंने पिसा हुआ ओट्स। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरे अनियन। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, धनिया पाउडर, कस्तूरी मेथी, हल्दी पाउडर और सबसे इम्पॉर्टेंट वाइट तिल। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ गरम पानी, दैट्स इट। और इसको एज इट इज हम रखे रहने देंगे गरम पानी के साथ कम से कम 3 से 4 मिनट तक। अब हम भून लेंगे इसका आटा। क्विक टिप, हम कपड़ा बिछाएंगे यहाँ पर और हम लेंगे हमारा आटा।
इतना इजी। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, ओट्स परांठा एंड इट्स एब्सोल्युटली रेडी। इसको घी के साथ खाएंगे। जितने पीसीओडी वाले लोग हैं वो कर्ड अवॉइड करेंगे, अदरवाइज आप इसको कर्ड के साथ भी ले सकते हैं एंड इसको होममेड चटनी के साथ भी ले सकते हैं आप। एंड वन टाइम में हम 2 पराठास ले सकते हैं और 2 स्टफ रोटी। नेक्स्ट, मेरी रीसेंट वीडियो आई है जिसके अंदर मैंने बनाया था ओट्स का चिल्ला बहुत सारी वेजीज डाल के। आप ये ओट्स का चिल्ला ले सकते हैं, उसके अलावा आप किनुआ और ओट्स का चिल्ला ले सकते हैं, ये रही उसकी रेसिपी। इसके अलावा आप ओट्स की खिचड़ी भी ले सकते हैं मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, ये रही उसकी रेसिपी। अब हम चलते हैं मिड ब्रेकफास्ट की तरफ। मिड ब्रेकफास्ट में आप प्लीज़ प्लीज़ किसी भी तरीके से अरेंज करिएगा हरड़ का मुरब्बा। एक हरड़ का मुरब्बा मिलता है मार्केट में, अमेजोन पे भी उसका लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत अच्छी चीज़ है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं घर पे उसको बनाऊँ और मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, बट अभी के लिए जब तक ये वीडियो नहीं आती आप हरड़ का मुरब्बा आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, अच्छे से वॉश करके उसको खाएंगे। उसके अलावा अगर आपको हरड़ का मुरब्बा नहीं मिलता, आप एक आंवले का मुरब्बा लेंगे, उसको वॉश करके खाएंगे। उसके अलावा कोई भी एक सीजनल फ्रूट, कोई सा भी फ्रूट जो भी आपको लोकली मार्केट में मिल रहा है, अमरूद आ रहा है बहुत अच्छा, उसके बीज निकाल के एक अमरूद आप खा सकते हैं मिड ब्रेकफास्ट में। चाहे आप कोई सा भी ऑप्शन अपने साथ लेके चल रहे हैं मिड ब्रेकफास्ट में, मेक श्योर आप उसके साथ एक गिलास या एक कप लेमन ग्रास टी ज़रूर लेंगे। लेमन ग्रास टी का ये रहा वीडियो एंड इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। लेमन ग्रास टी डेफिनेटली ऐड करेंगे आप अपने मिड ब्रेकफास्ट में। अब मूव करते हैं हम लंच की तरफ। लंच में मैं देना चाहती हूँ ओट्स एंड कर्ड की खिचड़ी। वो बनानी कैसे है, चलते हैं किचन में। लंच के लिए हम बना रहे हैं ओट्स एंड कर्ड की खिचड़ी। यहाँ पे पानी हमारा गर्म हो रहा है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी मेरा 1 करछी एंड 2 करछे जितना ओट्स। इसको खूब अच्छे से हम उबलने देंगे, बॉईल होने देंगे पानी के अंदर। ओके, खिचड़ी के लिए यहाँ पे हमारे को चाहिए एक खीरा, नेक्स्ट हमें चाहिए अनियन। सबसे पहले हमारे जो बॉइल्ड ओट्स हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे एक बाउल में। नेक्स्ट ये है मेरे पास दही, होममेड कर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरे कुकम्बर्स। नेक्स्ट ये है मेरे पास अनियन। इन सबको मिक्स करने से पहले हम बनाएंगे तड़का। ये है मेरा पैन, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच इतना घी। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा जीरा। नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट कड़ी पत्ता, इसको अब हम बंद कर देंगे। जीरा हमने मिक्स कर दिया और इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रहा हमारा लंच एब्सोल्युटली रेडी। वेलकम बैक जी। जिन जिनको ये कर्ड वाली खिचड़ी नहीं खानी, ऑफ कोर्स सब एक मेन्यू से बोर हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको दूंगी पनीर, कैप्सिकम, अनियन और ओट्स की टिक्की, ये रही उसकी रेसिपी एंड ये बहुत ही यम्मी है। टू बी ऑनेस्ट 2 से 4 के बीच में आप ले सकते हो। उसके अलावा आप ले सकते हो प्याज और टमाटर वाले ओट्स, ये रही उसकी रेसिपी। इसके अलावा आप ले सकते हो कोकोनट एंड ओट्स की स्मूदी, ये रही उसकी रेसिपी। और इसके अलावा भी अगर ये सब भी खाने का मन नहीं है, आप ओट्स एंड चना टिक्की ले सकते हो, ये रही ओट्स एंड चना टिक्की की रेसिपी। माई फेवरेट, रियली इट्स रियली यम। 2 से 4 टिक्कीज आप इसमें भी ऐड कर सकते हो। ये सब खाने का मन नहीं है, हमारा मूड नहीं है, आप
दाल की सलाद ले सकते हैं। बहुत सारी दालों की सलाद मैंने अपने चैनल पे ऐड कर रखी है, आप उनमें से कोई सी भी एक रेसिपी का जो वीडियो है वो पिक कर सकते हैं। अब मूव करते हैं हम इवनिंग टी पे। इवनिंग टी में हम लेंगे पील टी। रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे डाली थी पील टी, बहुत सारे पील से बनाई हुई एक टी है। इसके साथ आप ले सकते हो हैंडफुल ऑफ भुना चना या फिर सोप नट्स। नट्स के अंदर आप लेंगे 10 आलमंड्स, 2 वॉलनट्स, 2 अंडी। इवनिंग के टाइम पे आप इन सबको कंबाइन करके पील टी के साथ आप अपना बैठ के तसल्ली से इंजॉय करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की। डिनर के अंदर मैंने रिसेंटली वेजिटेबल सूप डाला था मेरे चैनल पे, ये आप रेसिपी पिक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। टू बी ऑनेस्ट यू फील लाइक कि आप खिचड़ी खा रहे हो रात को। नेक्स्ट उसके अलावा आप ले सकते हो ओट्स केक, ओट्स एंड बनाना का केक 2 से 4। मैंने रिसेंटली इडली वाला केक मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे डाला है। इसके अलावा भी आप ले सकते हो टमाटो का सूप। टमाटो का सूप का रेसिपी ये रहा, मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, आप इनमें से पिक कर सकते हो। आपको ये सब लेने का मन नहीं है, आप शीरा ले सकते हो, ओट्स एंड कोकोनट का शीरा ये रहा। आप ओट्स एंड कोकोनट का शीरा ले सकते हो और ये बहुत ही यम्मी है। टू बी ऑनेस्ट बहुत अच्छी नींद आएगी। आपको इन सबको लेने का मन नहीं है। पनीर सैलेड, मेरे चैनल पे वेराइटीज ऑफ पनीर का सैलेड एंड पनीर की भुजी की रेसिपीज है, आप इनमें से कोई सी भी एक पिक कर सकते हो एंड अपने डिनर में ऐड कर सकते हो। या फिर आपको इन सबको लेने का मन नहीं है, सब हटा दो, आप बहुत ही फुल फील कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि नहीं मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ बाउल ऑफ पपाया खा के भी अपना नाइट जो है वो बिता सकते हैं। अब बात करते हैं नाइट ड्रिंक की रात को। टू बी ऑनेस्ट नाइट ड्रिंक में सबसे बेस्ट इस मौसम के हिसाब से अजवाइन टी। पिंच ऑफ अजवाइन आप 2 कप पानी में उबालेंगे, जब तक 1 कप हो जाए छान के आप उसको पियेंगे एंड रेगुलरली आप इसको ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके फेस पे आकने आ रहे हैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद अजवाइन टी लेने के बाद, आप तुरंत अजवाइन टी को रोक देंगे एक सिंगल आकने निकलते ही, क्योंकि अजवाइन की जो तासीर है वो थोड़ी सी गर्म होती है, माइंड भी वो आपको सूट नहीं कर रहा है, आप तुरंत स्विच कर जाएंगे एलोवेरा जूस पे। नाइट ड्रिंक में 2 चम्मच एलोवेरा जूस 1/2 कप पानी में मिक्स करके आप उसको पी जाएंगे। मेक श्योर कि आप अपने वेट लॉस जर्नी में किसी के ऊपर कोई पैसे मत स्पेंड कीजिए, अपने खुद के अंदर इतना डिसिप्लिन लेके आइए, अपना बिहेवियर को इस तरीके से सेल्फ कंट्रोल रखिए कि आप खुद से डाइट करें, खुद से अपना अपना ट्रांसफॉर्मेशन करें और जो पैसे आप लोकली स्पेंड करते हो। मैं 7 ईयर से इस फील्ड में हूँ, मैंने देखा लोग अपने पैसे इतने बर्बाद करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैंने भी बहुत किए थे, बट अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है ट्रस्ट मी आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपने वेट लॉस जर्नी के लिए या अपने आप को फिट करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, अगर आप दिमाग से चलोगे आपको किसी की भी कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि नींद का। नींद का ध्यान रखना है आपने, 8 घंटे की नींद एब्सोल्यूटली ज़रूरी है। अब तो सर्दियाँ आ गई हैं यार, आराम से नींद आएगी। टू बी ऑनेस्ट सो यार दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस डाइट। पानी का इंटेक 3 से 4 लीटर, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, सिप सिप करके पूरे दिन पीते रहेंगे। दैट्स इट गाइस, सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। इसको मैक्सिमम तरीके से आप करने की कोशिश करना, बीच में कुछ भी गैप मत देना यार, 1 महीना एंड लाइक 9 से 10 किलो पूरा डाउन। सो या दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।